आज हम इस वीडियो में आपके डिटरमिनर्स पार्ट टू में आ चुके हैं। डिटरमिनर्स के बारे में आप पार्ट वन में बेसिक जानकारी ले चुके हैं और कुछ डिटरमिनर्स के बारे में भी आप जान चुके हैं। आइए हम इससे आगे बात करते हैं। ये टेबल आपको बताई थी पार्ट वन में, फिर से बता देते हैं। ये डिटरमिनर्स के टाइप्स हैं जिनमें डिटरमिनर्स जो होते हैं वो लिखे हुए हैं। ये आर्टिकल्स होते हैं और डिमॉन्स्ट्रेटिव होते हैं, दिस दैट दिस दोज। ये डिटरमिनर्स के बारे में हम पार्ट वन में बात कर चुके हैं। अभी पार्ट टू में हम बात करेंगे पजेसिव एडजेक्टिव, ये डिटरमिनर्स, और क्वांटिफायर्स, नंबर्स, ऑर्डिनल्स, इनके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले लेते हैं हम क्वांटिफायर्स, इनको हम क्वांटिटेटिव डिटरमिनर्स भी बोलते हैं। ये तो आपको पता ही है कि डिटरमिनर्स क्या बताते हैं। डिटरमिनर्स किसी नाउन की संख्या, नंबर या उसकी क्वांटिटी, मात्रा को बताते हैं, ठीक है ना। और वो किसी नाउन की ओर पॉइंट आउट करते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं नाउन को। तो और इस तरीके से जब वो संख्या और मात्रा बताते हैं तो फिर नाउन के एरिया को वो एक लिमिटेड रेस्ट्रिक्टेड कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, ठीक है ना। तो डिटरमिनर्स क्या हुए, ये किसी नाउन की संख्या या मात्रा को डिटरमाइन करते हैं, निर्धारित करते हैं। ऐसे प्रश्नों का जवाब देते हैं, कौन सा, कितना, यानी कोई चीज़ कितनी है, ठीक है ना। तो अब क्वांटिफायर्स की बात करें तो बहुत से डिटरमिनर्स से मात्रा, क्वांटिटी या फिर नंबर, संख्या का बोध होता है, और यही जो डिटरमिनर्स होते हैं उन्हीं को हम क्वांटिफायर्स कहते हैं, जिनसे हम किसी नाउन की मात्रा, उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसकी संख्या कितनी है, नंबर कितने हैं, इनका पता लग जाए, वो क्वांटिफायर्स होते हैं। अब कुछ वर्ड्स हैं, सम, मैनी, ए लॉट ऑफ एंड अ फ्यू आर एग्जांपल्स ऑफ क्वांटिफायर्स। ये सभी इसके एग्जांपल्स हैं। क्वांटिफायर्स कैन बी यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस, क्वेश्चंस, रिक्वेस्ट और कमांड्स विथ बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउंस। क्वांटिफायर्स जो वर्ड हैं इनका उपयोग हम अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं। क्वेश्चन जिसमें सेंटेंस में रहता है, रिक्वेस्ट रहती है, कमांड रहता है, ऐसी सेंटेंसेज में हम क्वांटिफायर्स का उपयोग करते हैं। और ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों प्रकार के नाउन में इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे आपके स्क्रीन पर उदाहरण देखें, देयर आर सम फ्रूट्स ऑन द डेस्क, डेस्क पर कुछ फल हैं। तो फ्रूट्स नाउन है, अब वो कितने हैं, उनकी क्वांटिटी कितनी है, सम है या थोड़ी है या ज़्यादा है। तो सम वर्ड जो है रेड कलर में आपके दिख रहा है, लाल कलर में ये वर्ड सम, फ्यू, मच, मोर, जो भी लाल कलर में ये वर्ड दिख रहे हैं आपको सेंटेंस में, ये सभी डिटरमिनर्स हैं। दूसरा सेंटेंस है, ही हैज़ गॉट ओनली अ फ्यू डॉलर्स, ठीक है। तीसरा है, हाउ मच मनी हैव यू गॉट। इनके बाद देखिए आप नाउन का उपयोग हुआ है, मच के बाद मनी आया है, ए फ्यू के बाद डॉलर आया है, सम के बाद फ्रूट आया है। तो डिटरमिनर्स नाउन के पहले आते हैं, ये फिक्स है, बाद में नहीं आते हैं, ये भी एक रूल अमुक पार्ट वन में बता चुके हैं। एडजेक्टिव्स पहले और बाद में दोनों तरफ आ सकते हैं, परंतु डिटरमिनर्स नाउन के पहले ही आते हैं। ही हैज़ गॉट मोर फ्रेंड्स देन हिज ब्रदर, देयर इज़ अ लार्ज क्वान्टिटी ऑफ फिश इन द रिवर। ये लाल से जो लार्ज, मोर, ये सब दिख रहे हैं, ये क्वान्टिफायर्स हैं। इसके अलावा भी और भी क्वांटिटी बताने वाले डिटरमिनर्स होते हैं, मैं आपको एक बार उनके नाम लिए देता हूं। अब चूँकि इसलिए ज़्यादा बड़ा करके नहीं लेते, वीडियो बड़ा हो जाता है और डिटेल में हम इसको बाद में कभी दूसरे वीडियोस में लेंगे। ऑल, एनी, इनफ, लिटिल, लेस, मच, मोर, यानी ये सब जो वर्ड है वो क्वांटिटी बताते हैं। मोस्ट, सम, नो, अ गुड डील ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ। चलिए आगे इसमें टेबल में हम और इस तरीके के देखेंगे। अब कुछ जो सम क्वांटिफायर्स हैं कैन गो ओनली विथ काउंटेबल नाउंस, वो केवल काउंटेबल नाउन जो होते हैं, काउंटेबल जिनको हम गिन सकते हैं, जैसे फ्रेंड्स है, पीपल है, कप्स हैं, इनके साथ में आते हैं कुछ क्वांटिफायर्स। तो सम कैन गो ओनली विथ अनकाउंटेबल नाउंस, शुगर है, शक्कर, मनी, एडवाइस, इनके साथ में जो अनकाउंटेबल नाउन है कुछ इनके साथ आते हैं क्वांटिफायर्स। While some can be used with both countable and uncountable nouns,
कुछ काउंटेबल नाउन के साथ भी आते हैं और अनकाउंटेबल दोनों के साथ में आ सकते हैं। कुछ ऐसे क्वांटिफायर्स होते हैं, ये टेबल में आपको हम बता रहे हैं, देख सकते हैं आप। पहले ओनली विद अनकाउंटेबल नाउन, यानी जो केवल अनकाउंटेबल नाउन के साथ आते हैं वो कौन से हैं, अ लिटिल, अ बिट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, इस तरीके के ये डिटर्मिनर्स ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ आते हैं क्वांटिफायर्स। और ये बीच वाले जो हैं ये आप देखिए ऊपर हेडिंग लिखा हुआ है विथ बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, ये वाले जो हैं ये सभी काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ आ सकते हैं। नो, नन, नॉट ऑल, नॉट, एनी, सम, ऑल, एनी, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ये दोनों के साथ आ सकते हैं। और ये तीसरे वाले हैं ओनली विथ काउंटेबल नाउन, ये केवल काउंटेबल नाउन के साथ आएंगे, ए फ्यू, ए नंबर ऑफ, सेवरल, ए ग्रेट नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ। तो इस तरीके के वर्ड आप कोई इंग्लिश जब आप कोई अनसीन पैसेज या टेक्स्ट का प्रोज पढ़ते हैं तो ये आपको देखते हैं वर्ड, ठीक है। दूसरा, एग्जाम में इनके कुछ सिलेक्टेड जो डिटर्मिनर्स हैं उनके क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इतने सब नहीं आते पर इनकी नॉलेज आपको लेना ज़रूरी है क्योंकि ये टेक्स्ट में या अनसीन पैसेज में हमको इनकी समझ में आना चाहिए ये वर्ड। तो ये आपको समझ में आया कि क्वांटिफायर्स में कुछ काउंटेबल के साथ आते हैं, कुछ अनकाउंटेबल के साथ आते हैं और कुछ दोनों के साथ आते हैं। तो ये आपको स्क्रीन पर इस टेबल्स के द्वारा दिख रहे हैं। अब इसके बाद आते हैं हम पजेसिव्स, जो पजेसिव्स होते हैं डिटर्मिनर्स का अगला प्रकार है, काइंड्स है, पजेसिव डिटर्मिनर्स और पजेसिव एडजेक्टिव्स बोल सकते हैं इनको। टेल अस, ये हमको बताते हैं हु ऑन समथिंग, कि किसी चीज़ का कौन मालिक है, उसको वो किसके पजेशन में है, पजेस वो वर्ड होते हैं, जिसके पजेशन में जो चीज़ होती है वो उसी के साथ पर्टिकुलरली आते हैं। वी यूज अ पजेसिव डिटर्मिनर बिफोर अ नाउन टू शो हु ऑन्स द नाउन वी आर टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो नाउन जो है उसका मालिक कौन है, उसका ऑनर कौन है, कौन की है वो चीज़, तो उस नाउन के साथ में आते हैं ये पजेसिव। दे कम इन फ्रंट ऑफ एनी अदर एडजेक्टिव्स, ये किसी भी एडजेक्टिव के पहले आते हैं। ये तो आपको बता ही दिया है कि यदि तीनों होते हैं, जहाँ डिटर्मिनर भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है, नाउन भी होता है, तो पहले डिटर्मिनर आएगा, उसके बाद एडजेक्टिव आएगा, उसके बाद नाउन आएगा, ये इनका ऑर्डर रहता है। एग्जाम्पल देखें आप, दिस इज योर कार, ठीक है, तो लाल कलर से जो है योर रेड कलर में, ये पजेसिव है जो कार नाउन के पहले आया है, ठीक है। अब ये बता रहा है कि कार किसकी है, कार का मालिक कौन है, योर यानी कि तुम्हारी कार है। और दूसरा देखिए, दैट इज आवर ब्यूटीफुल होटल, ये हमारा ब्यूटीफुल होटल है, तो होटल नाउन है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है और आवर पजेसिव डिटर्मिनर है, ठीक है। तो ये देखिए आपको उसमें क्रम दिख रहा है, पहले आवर डिटर्मिनर, फिर ब्यूटीफुल एडजेक्टिव, फिर होटल नाउन, इस क्रम में ही आते हैं, ये ऑर्डर चेंज नहीं होता है। यदि एडजेक्टिव आता है सेंटेंस में तो, नहीं तो फिर पजेसिव, उसके बाद उसका नाउन आता है, ठीक है। अब पजेसिव डिटर्मिनर्स आर डिफरेंट फ्रॉम पजेसिव प्रोनाउंस, एक बात ये भी आप नोट करें कि जो पजेसिव डिटर्मिनर्स होते हैं, ये माय, योर, हिज, हर, इट्स, आवर, देयर, ये सभी जो होते हैं ये पजेसिव प्रोनाउन से अलग होते हैं। पजेसिव प्रोनाउन भी आपने पढ़े होंगे, देखे होंगे सेंटेंस में, देखिए यहाँ पर जो लिखे हुए हैं, माइन, हिज, हर्स, ये लिखे हुए नीचे, माइन, हिज, हर्स, योर्स, आवर्स, देयर, ये पजेसिव प्रोनाउन होते हैं, इनके साथ में नाउन नहीं आता है, ये इनका अंतर है। पजेसिव डिटर्मिनर डिफरेंट होते हैं पजेसिव प्रोनाउन से, सिर्फ यही अंतर रहता है। ये आगे हम बता रहे हैं कि पजेसिव प्रोनाउंस कैन स्टैंड अलोन, पजेसिव प्रोनाउन जो होते हैं वो अकेले रहते हैं, एंड आर नॉट फॉलोड बाय नाउंस, उनके साथ नाउन नहीं आता है। पजेसिव डिटर्मिनर्स ऑन द अदर हैंड आर फॉलोड बाय नाउंस, जबकि पजेसिव डिटर्मिनर्स जो हैं उनके साथ नाउन आता है, ये इन दोनों का डिफरेंस है। एग्जाम्पल देखें, दिस इज माई हाउस, तो माई, अब ये सेंटेंस जो है दिस इज माई हाउस, यहाँ देखिए
इसमें ये माई है, ये माई इज ए पजेसिव डिटर्मिनर, ये पजेसिव डिटर्मिनर है, क्यों है? इट इज़ फॉलोड बाय द नाउन हाउस विच इट मॉडिफाइज, क्योंकि इस माई के बाद में ये हाउस आया है नाउन, जिसको कि ये माई मॉडिफाई कर रहा है। पर नीचे की सेंटेंस में देखें, इज दैट कार योर्स, क्या यह कार तुम्हारी है? तो अब यहाँ योर्स जो है ये पजेसिव प्रोनाउन है, इसके बाद में हाउस नहीं आया है, ठीक है, ये पहले आ गया है का नाउन कार योर्स, ठीक है, तो योर्स इज ए पजेसिव प्रोनाउन, इट इज नॉट फॉलोड बाय ए नाउन, इसके बाद में कोई नाउन नहीं आया है। तो ये इनका बेसिक अंतर होता है। वी यूज डिफरेंट पजेसिव डिटर्मिनर्स डिपेंडिंग ऑन हु ओन्स द थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट। अब हम बात करेंगे कि डिफरेंट पजेसिव डिटर्मिनर जो होते हैं वो अलग अलग सिचुएशन में, जिसकी में जिस परिस्थिति में हम बात कर रहे हैं, जिस नाउन या थिंग के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका कोई मालिक है, किस तरीके से अलग अलग चेंज होते हैं, ये आप इस टेबल में आप देखें। सब्जेक्ट लिखे हुए हैं इधर, देखिए उनके सब्जेक्ट फॉर्म लिखे हुए हैं आई वी यू दे ही सी इट, ठीक है। इनके पजेसिव डिटर्मिनर पर्टिकुलरली दिए हुए हैं, आई के साथ में माई है जो कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ आता है, वी आवर आवर फर्स्ट पर्सन प्लूरल, आई और वी इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन माने जाते हैं, तो आई सिंगुलर और वी प्लूरल, इस तरीके से फर्स्ट पर्सन प्लूरल के साथ में ये आते हैं। यू पजेसिव डिटर्मिनर सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ, दे देयर ये थर्ड पर्सन होते हैं, बाकी ये नीचे लिए हुए ही सी इट दे थर्ड पर्सन होते हैं, यू सेकंड पर्सन होता है, तो दे देयर ही हिज शी हर इट इट्स, ये सभी किस तरीके से आते हैं ये आपको स्क्रीन पर जिनके साथ ही आते हैं, यूज्ड विद टाइप ऑफ नाउन जिनके साथ उपयोग किया जाता है वो दिख रहा है आपको, ये आप नोट कर सकते हैं। अब इसमें माई हर हिज एंड इट्स आर यूज्ड विद सिंगुलर नाउन्स, ये सिंगुलर नाउन के साथ आते हैं माई हर हिज इट्स, वाइल आवर एंड देयर आर यूज्ड विद प्लूरल नाउन्स, आवर और देयर प्लूरल नाउन के साथ आते हैं, योर कैन बी यूज्ड विद अदर सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स डिपेंडिंग ऑन द सेंस, ये सेंस के ऊपर है योर का उपयोग सिंगुलर और प्लूरल नाउन के साथ आता है। एग्जाम्पल है दिस इज माई कार, ये मेरी कार है, तो कार माई जो है सिंगुलर के साथ आता है, कार देखिए एक ही है, द डॉग लिक्ड इट्स पॉ, ठीक है, तो ये भी सिंगुलर है पॉ, कुत्ते ने अपने पंजे को चाटा, विच इज देयर कार, ठीक है, देयर के साथ में ये प्लूरल भी आ सकता है, ऑल थ्री ऑफ यू हैव यू डन योर होमवर्क, इस तरीके से हम इनके उपयोग करते हैं। अब देखिए नंबर्स एंड ऑर्डिनल्स, ये अगले डिटर्मिनर्स हैं। नंबर्स दो प्रकार के होते हैं, नंबर्स आर कार्डिनल एंड ऑर्डिनल, एक कार्डिनल नंबर होते हैं एक ऑर्डिनल नंबर होते हैं। कार्डिनल नंबर आपको दिख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से होते हैं, ऑर्डिनल नंबर बोलते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, ये आपने देखे ही होंगे, तो 1, 2, 3, 4 कार्डिनल नंबर हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस तरीके से ये ऑर्डिनल नंबर हो गए। अब हम यहाँ पढ़ने वाले हैं खास तौर से कि नंबर्स में ऑर्डिनल्स की खास बात करेंगे हम। अब कार्डिनल नंबर्स आर एडजेक्टिव्स दैट इंडिकेट क्वांटिटी, कार्डिनल नंबर जो होते हैं वो एडजेक्टिव इस तरीके से होते हैं जो क्वांटिटी को बताते हैं। ऑर्डिनल नंबर्स इंडिकेट रैंक और ऑर्डर, ये इन दोनों में अंतर है कि ऑर्डिनल नंबर किसी की रैंक बताते हैं या उसका ऑर्डर बताते हैं, उसका क्रम बताते हैं, कार्डिनल नंबर क्वांटिटी बताते हैं। देर आर 5 मैंगोज ऑन द टेबल, ठीक है, तो 5 कार्डिनल नंबर है। दिस इज द फर्स्ट टाइम फॉर मी ऑन अ ट्रेन, फर्स्ट ऑर्डिनल है। इस तरीके से इन सेंटेंसेज आप देख रहे हैं उपयोग हम कर सकते हैं। ही इज ब्लाइंड ऑफ वन आई, सी हैज 2 सन्स, ओनली 3 गर्ल्स आर सिटिंग इन द क्लासरूम, तो ये ऑर्डिनल्स और कार्डिनल्स नंबर होते हैं जिनको भी हम डिटर्मिनर्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अब एक चीज़ जो आपको खास याद रखनी है वो ऑर्डिनल्स और नाउन के बीच में क्या है वो हम नोट करके आपको बता रहे हैं।
ऑर्डिनल्स के पहले द का प्रयोग होता है, ठीक है, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जिनको हम बोलते हैं ऑर्डिनल्स, उनके साथ द का प्रयोग होता है और बाद में सिंगुलर नाउन का प्रयोग होता है। अब यहाँ देखिए, द सेकंड क्लास यानी सेकंड थर्ड जो जो भी हैं ये ऑर्डिनल्स हैं, परंतु इनके पहले द का प्रयोग हुआ है, आपको दिख रहा है, और इसके बाद नाउन आया है क्लास, ठीक है। तो ऑर्डिनल्स के पहले द का प्रयोग होता है और बाद में सिंगुलर नाउन का प्रयोग होता है। द सेकेंड क्लास, द थर्ड पीरियड, द फोर्थ डायमेंशन, इस तरीके के और भी हो सकते हैं उदाहरण। दूसरी बात ये है, ये आप अच्छे से ध्यान से सुने, यदि एंड से जुड़े सभी ऑर्डिनल्स के लिए एक ही नाउन का प्रयोग हो, ठीक है, और सिर्फ पहले ऑर्डिनल के पहले द आए तो वो नाउन प्लूरल नंबर में रहता है, पर यदि सभी ऑर्डिनल्स के पहले द का प्रयोग हो तो वह नाउन सिंगुलर नंबर में रहता है। इस बात को हम अभी इस उदाहरण से समझेंगे। देखिए, आई हैव रीड द लिटरेचर ऑफ द 17th एंड 18th सेंचुरीज, यानी कि यहाँ पर देखिए दो ऑर्डिनल्स आए हैं 17th और 18th, परंतु द जो है वो केवल एक बार यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ लगा हुआ है, तो फिर इधर जो नाउन आएगा वो प्लूरल होगा। कहने का मतलब ये है, ठीक है, यदि अलग अलग ऑर्डिनल्स इस्तेमाल हुए हैं 17th 18th और उनके पहले एक ही द आया है तो फिर यहाँ पर हम प्लूरल का इस्तेमाल करेंगे नाउन। और देखिए दूसरे उदाहरण में, आई हैव रीड द लिटरेचर ऑफ द 17th एंड द 18th, यानी द 17th भी लगा हुआ है और द यहाँ भी लगा हुआ है 18th के पहले, दोनों जगह अलग अलग लगा है दोनों ऑर्डिनल्स के पहले, तो फिर यहाँ सिंगुलर नाउन आएगा। ये आपको बात समझनी है, ठीक है ना। एक और उदाहरण देखें, ही हैज रीड द फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर्स। अब द एक ही बार आया है, फर्स्ट और सेकेंड दोनों ऑर्डिनल्स आए हैं पर द एक ही बार आया है, तो यहाँ पर प्लूरल आएगा नाउन ऑफ दिस बुक। नीचे देखिए, ही हैज रीड द फर्स्ट एंड द सेकेंड, दोनों जगह द लगा है तो फिर नाउन सिंगुलर होगा ऑफ दिस बुक। जी बी सॉ, जॉर्ज बर्नार्ड सॉ लाइव्ड थ्रू टू सेंचुरीज, प्लूरल हो गया क्योंकि यहाँ एक ही बार द लगा है, द 19th एंड द 20th। तो ये भी आप नाउन और ऑर्डिनल्स की जो बात है अंतर उसको समझ लें। अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि डिफरेंट इतने प्रकार के आपने डिटर्मिनर्स पढ़ लिए, तो डिटर्मिनर्स एंड काइंड्स ऑफ नाउन विद विच दे आर यूज्ड। अब डिटर्मिनर्स जो अलग अलग प्रकार के नाउन होते हैं, काउंटेबल अनकाउंटेबल होते हैं, उनके साथ में कौन से डिटर्मिनर्स आते हैं, तो कुछ सिलेक्टेड बातें आपको हम पॉइंट आउट कर रहे हैं। जैसे पहली बात है, ए एन ईच एवरी वन अनदर एंड आइदर, ये जो डिटर्मिनर्स हैं आर यूज्ड विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ये एक वचन गिनने वाली चीज के साथ आते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आते हैं, ए एन ईच एवरी वन अनदर आइदर। दूसरी बात, दिस एंड दैट आर यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन्स, दिस और दैट अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ प्रयोग किए जाते हैं, या फिर ऑब्लिक लगा हुआ है यानी कि कंडीशन सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ भी लगेंगे और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ भी आते हैं। दीज एंड दोज आर यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन्स, अ प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है। दीज दोज दिस दैट, ये जो हैं ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ आएंगे, परंतु अंतर यह है, दिस दैट सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आएगा, दीज दोज प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आएगा, क्योंकि दिस का प्लूरल होता है दीज, दैट का प्लूरल होता है दोज। अब ये कुछ डिटर्मिनर्स हैं, ए लिटिल, ए लॉट ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, मच आर यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन्स, ये जो हैं ए लिटिल, ए लॉट ऑफ, ए ग्रेट डील, मच, ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ आते हैं। कुछ ये हैं, मोर, मोस्ट, ए लॉट ऑफ, इनफ, एडिकेट, सम आर यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन्स, ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ आते हैं और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी आ सकते हैं। दूसरा, ए फ्यू, सेवरल, मैनी, बोथ आर यूज्ड विद प्लूरल प्लूरल नाउन्स, ये प्लूरल नाउन के साथ आते हैं, ए फ्यू, सेवरल, मैनी, बोथ। फिर है, द, सम, एनी, माई, हर, योर, अवर, देयर, इट्स, विच, हुज, व्हाट
आर यूज विथ एनी टाइप ऑफ नाउन. इनका उपयोग जो लास्ट वाले हैं, इनका उपयोग किसी भी नाउन के साथ में हो सकता है. आर यूज विथ एनी टाइप ऑफ नाउन. तो ये कुछ खास बातें हुई. तो अभी हमने आपको डिटर्मिनर शॉर्ट में बता दिया है. यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो, और आपको लगता है कि एमपी इंग्लिश क्लासेज आपके लिए सही है, आपकी पढ़ाई अच्छी चल सकती है, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुपों से जुड़ सकते हैं. 9 से 12 तक हमारे रेगुलर व्हाट्सएप ग्रुप चलते हैं. यदि आप इस जनरल इंग्लिश के हैं तो भी जुड़ सकते हैं, स्पेशल इंग्लिश वाले हैं तो भी जुड़ सकते हैं. हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6264472391, स्क्रीन पर है. स्कूल का नेम, डिस्ट्रिक्ट नेम लिखकर हमें इस नंबर पर मैसेज करें, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे. यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड नहीं करना चाहते हैं तो आप सीधे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. ये वीडियो आपने देखा है, इस वीडियो के नीचे इस तरीके से लाल से सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा है आपको. यहाँ पर ये सब्सक्राइब बटन आपको दबाना है. इसके साथ में ही ये इधर की साइड में आपको एक बेल आइकॉन दिखेगा, उस बेल आइकॉन को आप दिखाएंगे दबाएंगे तो देखिए इस तरीके से बेल आइकॉन ये दिख रहा है आपको. यहाँ ये बेल आइकॉन दबाएंगे तो तीन ऑप्शन आएंगे, ऑल, पर्सनलाइज और नन. तो आपको ऑल को दबाना है. ऑल को आप दबा देंगे तो मेरे सारे वीडियो आपके मोबाइल स्क्रीन के नोटिफिकेशन में जैसे ही मैं अपलोड करूँगा वैसे ही आपके पास पहुँच जाएंगे. तो ये भी एक आसान तरीका है. इस तरीके से आप सब्सक्राइब कर लें. आप जब सब्सक्राइब कर लेंगे तो लाल वाली जो लाइन है वो सफ़ेद में बदल जाएगी और आप ऑल दबा दें. यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर करें और दोस्तों को शेयर करें. थैंक यू.